और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है। इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। आजादी के बाद की सरकारों ने राजनीतिक स्वार्थ को जिस तरह प्राथमिकता दी और उसकी बहुत बड़ी शिकार भारतीय रेल रही है। आप पिछले 2014 के पहले के 25-30 रेल बजट देख लीजिए। रेल मंत्री देश की पार्लियामेंट में क्या बोलते थे, हमारी फलानी ट्रेन का वहां स्टॉपेज दे देंगे, वहां हम डिब्बे 6 है तो 8 कर देंगे। यानी रेलवे, और मैं देख रहा था पार्लियामेंट में भी धप धप तालियां बजती थी, यानी यही सोच रही थी कि स्टॉपेज मिला कि नहीं मिला, ट्रेन वहां तक आती है, मेरे स्टेशन तक आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी। देखिए 21वीं सदी में यही सोच रही होती तो देश का क्या होता। और मैंने पहला काम किया, रेल को अलग बजट से निकाल करके भारत सरकार के बजट में डाल दिया और उसके कारण आज भारत सरकार के बजट के पैसे रेलवे के विकास के लिए लगने लगे। पिछले दिनों देखा है, इन दशकों में समय की पाबंदी, आपने हालत देखा है, ट्रेन पर मेन लोग ये नहीं देखने जाते थे किस प्लेटफॉर्म पर कौन सी ट्रेन है, लोग ये देखते हैं कितनी लेट है। यही कार्यक्रम है घर से, क्योंकि उस समय मोबाइल तो था नहीं, स्टेशन पे जाकर के देखना कि भाई कितनी लेट है। रिश्तेदारों को कहते भाई रुके रहो, पता नहीं ट्रेन कब आएगी, वरना घर वापस जाकर के फिर आएंगे, ये रहता था। स्वच्छता की समस्या, सुरक्षा, सहूलियत, हर चीज पैसेंजर के नसीब पर छोड़ दी गई थी। 2014 में देश में आज से 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों ऐसे थे जहां की राजधानी हमारे देश की रेलवे से नहीं जुड़ी थी। 2014 में देश में 10,000 से ज्यादा ऐसे रेल फाटक थे, 10,000 से ज्यादा, जहां कोई व्यक्ति नहीं था, लगातार एक्सीडेंट होते थे और उसके कारण हमारे होनहार बच्चों को, नौजवानों को हमें खोना पड़ता था। 2014 में देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। पहले की सरकारों के लिए रेल लाइनों का दोहरीकरण भी उनकी प्राथमिकता में ही नहीं था। इस परिस्थिति में हर पल कौन मुसीबतें झेल रहा था, कौन परेशानियों में पीसा जाता था, हमारे देश का सामान्य मानवी, मध्यम वर्ग का परिवार, भारत का छोटा किसान, भारत के छोटे उद्यमी। आप याद करिए रेलवे रिजर्वेशन, उसकी भी क्या हाल था, लंबी लंबी लाइनें, दलाली, कमीशन, घंटों का इंतजार। लोगों ने भी सोच लिया था कि अब ये हालत कभी नहीं, सबने माना था भाई रेलवे पर ऐसी है मुसीबत है, चलो 2-4 घंटे सफर करनी है कर लेंगे, चिल्लाओ मत, यही जिंदगी हो गई थी। और मैंने तो मेरी जिंदगी ही रेल की पटरी पर शुरू की है, इन्हें मुझे भली भांति है रेल का क्या हाल था। साथियों, भारतीय रेल को उस नर्क जैसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए थी, वो इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। अब रेलवे का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हमने 10 वर्षों में औसत रेल बजट को 2014 से पहले की तुलना में 6 गुना ज्यादा बढ़ाया है। आज का ये दिन इसी इच्छा शक्ति का जीता जागता सबूत है। देश का नौजवान तय करेगा उसको कैसा देश चाहिए, कैसी रेल चाहिए। ये 10 साल का काम अभी तो ट्रेलर है, मुझे तो और आगे जाना है। आज गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इतने राज्यों में वंदे भारत ट्रेनें मिल चुकी है जी। और इसी के साथ ही देश में वंदे भारत ट्रेन की सेवाओं का शतक भी लग गया है।